जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू पाठशाला के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में संभावित जीके और करंट अफेयर के सेक्शन के पेपर के। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जीके से हमारे 37 से 38 प्रश्न आने वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। तो संभावित प्रश्नों का एक संलग्न हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उन 38 प्रश्नों पर जो कि संभवतः आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनसे संबंधित विषयों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के कम समय में आपके समय की बचत करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारा 2024 का संभावित पेपर, जिसमें 38 से क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और 38 प्रश्नों में से हो सकता है आपके पेपर में कोई प्रश्न फंस जाए तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, पर इसी से संबंधित या इसी लेवल के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इस बात की हम आपसे गारंटी लेते हैं। चलिए, तो वर्दी परीक्षा के हमारे पूरे सफर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, दोस्तों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला जो हमारी राज्यपाल है वो कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, इसका सही उत्तर आपके सामने चार दिया हुआ है, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार और सरोजनी नायडू। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल में जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सरोजनी नायडू जी का, ठीक है। जो सरोजनी नायडू थी हमारी, वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दिवस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखने वाला, इससे कम से कम दो प्रश्न फंसते हैं, 2 और 4 नंबर, ठीक है। क्या पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो हमें पता है 23 मार्च को नहीं मनाया जाता, 24 फरवरी को नहीं मनाया जाता, 24 जनवरी को नहीं मनाया जाता दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाता है 22 अप्रैल। दोस्तों इसी वीडियो के बीच में मैं आपको 2-4 प्रश्न होमवर्क के लिए भी दूंगा, जिसको आपको अपने घर से देख करके या फिर इंटरनेट के माध्यम से इसको देखना है, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 20वां राष्ट्रीय किताब मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ है। 20वां राष्ट्रीय किताब मेला उत्तर प्रदेश में हुआ है ये तो हम सभी को पता है, पर किस जिले में आयोजित हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें दीजिए। अब आपके सामने चार प्रश्न है, ऑप्शंस है, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और मिर्जापुर, ठीक है। तो जो 20वां राष्ट्रीय किताब मेला उत्तर प्रदेश का, वो लखनऊ शहर में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है, ठीक है। दोस्तों आप पूछेंगे, भैया 2021 का प्रश्न आप अभी क्यों पूछ रहे हैं। दोस्तों हाल ही में ये हमारे अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों गीता प्रेस को दिया गया है, ठीक है, गीता प्रेस को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी रेलवे की प्रथम महिला जनरल मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2-3 दिन तक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनी हुई थी ये हमारी न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी रेलवे की प्रथम महिला जनरल मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है, तो सौम्या माथुर जी को, श्रीमती सौम्या माथुर जी को उत्तर प्रदेश की पूर्वी रेलवे की प्रथम महिला जनरल मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा, ये बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं, उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है और भारत से संबंधित भी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा NH 44। देख लीजिए दोस्तों, कम समय में ज्यादा प्रश्नों को हमें हल करना है, तो हम आपकी वेट का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वीडियो पोज करके इसका आंसर दे सकते हैं। भूकंपों का अध्ययन, दोस्तों भूकंपों का अध्ययन किसे कहा जाता है, ठीक है, इनमें से किस अंतर्गत किया जाता है। भूकंपों का अध्ययन, ज्योग्राफी का स्टडी, हिस्ट्री की स्टडी, पॉलिटिक स्टडी, इन सभी चीजों की स्टडी के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो भूकंपों का अध्ययन इनमें से किसके अंतर्गत किया जाता है, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों अगली वीडियो, अगली फोटो देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में प्रेजेंटली है आपके सामने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन है। नीति आयोग आप सभी को पता है कि जो हमारे पूरे देश के संपर्क में है, जो पूरे देश के विभिन्न ग्रास रूट लेवल से जो पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए, जो कि इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, उन सभी लोगों को कौन डिसाइड करता है, उन सभी पॉलिसीज को कौन डिसाइड करता है, नीति आयोग डिसाइड करती है। इसके जो राष्ट्र विभिन्न राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं, और जो इसका मुख्य जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसीलिए हमारे जो वर्तमान में अध्यक्ष इनमें से कौन हो जाएंगे नीति आयोग के, तो श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे अध्यक्ष हो जाएंगे।
नीति आयोग के। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी जो बीसीसीआई है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों मैं ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, इसको आपको होमवर्क करके आना है, ठीक है, बताना है आपको। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हमारा हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे हमारे श्री शंकर कुरूप जी, ठीक है, इनको सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अन्य पुरस्कारों को भी हम देखते हुए चलेंगे। रासलीला इनमें से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य? दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात हो रही है, तो रासलीला हो गया, कजरी हो गया, या इससे संबंधित अन्य जो हमारे लोकप्रिय नृत्य हैं इनको देखना बहुत जरूरी हो जाता है, या इनसे संबंधित प्रश्न आने के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो जो रासलीला है इनमें से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? दोस्तों ये भी आपका होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। ये दूसरा मैंने आपको बोला था 3 से 4 प्रश्न आपको होमवर्क पे दूंगा, एक प्रश्न आपको मैंने दिया इससे पहले कि जो हमारा जो जियोग्राफी के जो हमारे जनक हैं वो किसे कहे जाते हैं, वो आपका होमवर्क। और एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष से किस वर्ष तक चली? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये उत्तर प्रदेश की थी दोस्तों, सुचेता कृपलानी जी, जो कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो सरोजिनी नायडू जी थी वो भी उत्तर प्रदेश की ही थी, ठीक है, तो ये हमें जानते हुए चलना है। इन जो तीन जो मतलब महिलाओं का नाम है इनके भी संबंधित आपको जीके लर्न करना होगा, क्योंकि हो सकता है इनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछ ले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन इनमें से किस वर्ष हुआ था? 42वां संविधान संशोधन दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हमें देखने को मिलता है। अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले 24 जनवरी को हमारा उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया, तो 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता रहा है, तो ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल शासक अकबर ने किस वर्ष से किस वर्ष तक शासन किया? मुगल शासक जो अकबर थे उन्होंने किस वर्ष से किस वर्ष तक शासन किया? 1540 से 1545 तक, 1556 से 1605 तक, 1530 से 1556 तक, या 1540 से 1552 तक? इसको होमवर्क दे दे दोस्तों, चलिए जाने दीजिए। इसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं, 1556 से लेकर के 1605 तक मुगल शासक अकबर ने शासन किया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? जैसे दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि हमने नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के जो हमारे अध्यक्ष होते हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसी प्रकार से जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के जो हमारे जीएसटी परिषद जिसको कहा जाता है उसकी जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। कौन है वर्तमान में? श्रीमती निर्मला सीतारमण, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? दलहन अनुसंधान दोस्तों जहां पे दलहन संबंधित विभिन्न प्रकार के रिसर्च वर्क किए जाते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजमुद्री, किमसूर, कानपुर या बंगलुरु। कहाँ होना चाहिए आपको, क्या लगता है कहाँ पे उपस्थित होगा दोस्तों? तो कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान स्थित है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला जनगणना 2011 के हिसाब से जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो दोस्तों महोबा जिला जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है माना जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ में। सारनाथ किस धर्म के अनुयायियों का प्रमुख केंद्र है? सारनाथ दोस्तों वाराणसी के निकट पड़ता है, जहां पे विभिन्न प्रकार के जो टूरिस्ट है वहां पे आकर के उसकी शोभा बढ़ाते हैं, तो ये प्रश्न बन जाता है उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, बन सकता है, प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिला था कि जो सारनाथ है वो किस धर्म के अनुयायियों का प्रमुख केंद्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो है ये प्रमुख केंद्र माना जाता है।
अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संग्रहालय है उनके नाम से, या उनके नाम से जो पुस्तकालय है, वो उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रामपुर में। ठीक है, रामपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संग्रहालय और पुस्तकालय है वो बहुत ही ज्यादा प्रख्यात और विख्यात है। ठीक है, वहां विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आपको देखने को मिल सकती है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तुलसी मानस मंदिर उत्तर प्रदेश के हमारे वाराणसी जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो हमारा वाराणसी जिला है उसमें हमारा तुलसी मानस का जो मंदिर है वो स्थित होता है दोस्तों। ठीक है, अयोध्या स्थित श्री राम के मंदिर का निर्माण इनमें से किस शैली में हुआ है? दोस्तों अभी जैसा कि हम जानते हैं 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या नगर में श्री राम जी के जो मंदिर है उसका शिलान्यास किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे श्री राम लला को विराजित किया गया है। तो इनकी जो मंदिर की जो शैली है वो किस शैली में पूछी गई है? तो ये नागर शैली में बनी हुई मंदिर है। ठीक है, हमारे श्री राम का जो मंदिर बना हुआ है वो नागर शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न, अयोध्या नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? दोस्तों ये बच्चा बच्चा इस सवाल का जवाब दे देगा। अयोध्या नगर जो है वो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है, जहां पे हमारे श्री राम की जन्मभूमि है, और हाल ही में 22 जनवरी 2024 को वहां पे मंदिर का लोकार्पण हुआ है। ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी के बीच कब शुरू हुई? दोस्तों प्रयागराज और नैनी के मध्य थोड़ी कम दूरी है, लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से, ये पासी में पड़ता है नैनी। बोल रहा है कि सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा जो है वो प्रयागराज से नैनी के बीच तो शुरू हुई, पर कब शुरू की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 में। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में चीनी का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है, चीनी का कटोरा कहा जाता है इसे, उत्तर प्रदेश है दोस्तों इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय इनमें से कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इस सवाल का जवाब आपको बच्चा बच्चा बता देगा जो कि पढ़ाई करता है। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको बताना है कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसका मुख्यालय इनमें से कहाँ स्थित है। आपके चार ऑप्शन है, जेनेवा, वियना, लंदन या पेरिस। ठीक है, अगला प्रश्न, आगरा स्थित लाल किले को निर्माण किसने करा था? ठीक है दोस्तों, कई बच्चे साझा कर देंगे तुरंत ही, पर दोस्तों इस बात को समझने की जरूरत है कि आगरा स्थित लाल किले, ठीक है, दिल्ली स्थित नहीं, आगरा स्थित लाल किले का निर्माण किसने करा था? दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने। मुगल शासक जो अकबर था उसने आगरा स्थित लाल किले का निर्माण करा था दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सभी जिलों के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक हमारे लिए निर्देश आया था कि जो विभिन्न पुलिस है उनके लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनिवार्य कर दिया गया है। क्या वो फेसबुक था, क्या वो ट्विटर था, क्या वो इंस्टाग्राम था? जी नहीं दोस्तों, ये इन तीनों में से कोई नहीं था, वो था हमारा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो था ये उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सभी जिलों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा था जो कि लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है दोस्तों? ठीक है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण खोला गया है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाता है इटावा, और ये प्रश्न जो आपके पूछे गए एग्जाम के प्रीवियस पेपर में देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए चलना है कि जो भी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में डायरेक्टली पूछ रही है या नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैच कर रहे हैं नहीं, इसी आधार पे हमको अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से बना करके आगे चलने की जरूरत है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारत एवं चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के मध्य बॉर्डर्स पे उनके क्या नाम होते हैं। तो दोस्तों भारत एवं चीन के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका सही जवाब हो जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो होती है भारत और चीन के मध्य साझा की गई रेखा का नाम होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चल पड़ते हैं, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? भारत में सर्वाधिक विश्वविद्यालय दोस्तों हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की संख्या यहाँ पे होती है, और ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम सब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो हमें अपनी सुरक्षा में, हमारे देश की सुरक्षा में हमें आगे रहना है, और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में दुनिया भारत की सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय हो, इससे अनोखी बात क्या हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक विश्वविद्यालयों की संख्या
किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थित होती है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय वर्ष के अंतर्गत भारत की सिफारिश पर इनमें से कौन सा वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 के पुलिस कांस्टेबल में आप सवाल समझ सकते हो कि यह जरूर पूछा जा सकता है। 2023 को आपको समझ जाना है अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसके द्वारा यह घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संघ के द्वारा इसे 2023 का क्या घोषित किया गया है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार इनमें से किस वर्ष दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को इनमें से किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों हम सबको पता है कि हमारे जो माननीय रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन कौन से वर्ष में दिया गया था दोस्तों? 1913 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। जिन जिन क्वेश्चंस को मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है कि इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर क्या होने वाला है। आखिरी प्रश्न की तरफ मूव कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका पीलीभीत। तो दोस्तों हमने बहुत कम समय में महत्वपूर्ण 37-38 प्रश्नों को देखा, जिसको पढ़ने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। और आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बीएचयू पाठशाला से जुड़ करके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी कंटेंट लेकर के आएंगे। हमने इससे पहले संपूर्ण उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके, उसके बाद में जो हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंतिम 20 दिनों में कैसे करें, इन सभी चीजों को बहुत डिटेल में हम आप सभी के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, तैयारी को और अच्छा बनाइए और आगे बढ़िए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।